नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से एक खबर सामने आई है, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची स्मृति ईरानी। लखनऊ में सीएम योगी से करेंगे मुलाकात और अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची हैं, जहां दो दिन के प्रवास के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस दौरे के दौरान आपको बता दें कि स्मृति ईरानी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करेंगी और दो दिवसीय दौरा बताया जा रहा है, जहां वो अमेठी भी जाएंगे। लखनऊ में आपको बता दें कि अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इस दौरान वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत करेंगी और दो दिन प्रवास के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी इस वक्त एयरपोर्ट पहुंची हैं। एयरपोर्ट के बाहर उनका स्वागत किया जा रहा है और यहां से स्मृति ईरानी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करने पहुंचेंगी। फिलहाल एयरपोर्ट पर पहुंची हैं स्मृति ईरानी, जिसके बाद वो अमेठी भी रवाना होंगी और दो दिवसीय दौरा उनका बताया जा रहा है। अमेठी में दो दिन रहने के बाद स्मृति ईरानी दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगी। और इससे से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अमेठी से, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज दौरा करने पहुंची हैं मुजफ्फरखाना के दादरा में। वो चौपाल लगाएंगी और लोगों की समस्याएं सुनेंगी। जिला प्रशासन ने भी इस दौरान पूरी तैयारी कर ली है। कई स्थानों पर आयोजित होगी ये चौपाल और केंद्रीय मंत्री की ये चौपाल आयोजित की जाएगी, जहां पर आम जनता अपनी समस्याएं लेकर स्मृति ईरानी से बातचीत कर सकेंगी और उनके निराकरण के लिए तुरंत ही आदेश दिए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अमेठी के लिए दो दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं, जहां पर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है इस दौरे के लिए। और फिलहाल स्मृति ईरानी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, जहां वो पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करेंगी और उसके बाद अमेठी के लिए रवाना होंगी, जहां पर जन चौपाल स्मृति ईरानी लगाएंगी, जहां पर आम समस्या सुनी जाएगी लोगों की और इसके बाद उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दो दिवसीय असम दौरे पर रविवार की देर रात गुवाहाटी पहुंचे हैं। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह का गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार की पहली वर्षगांठ पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है और लिखा कि गुवाहाटी के एलजीबीआई हवाई अड्डे पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। गृह मंत्री असम में अगले दो दिन में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और हम हमेशा माननीय गृह मंत्री के उदार मार्गदर्शन के धन्य हैं। उन्होंने कीमती मार्गदर्शन के लिए उनके तत्पर हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार मंगलवार यानी कि आने वाली 10 मई को अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। असम में हिमंत सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर अमित शाह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा मैदान में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसी बीच गोरखपुर में विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर गोरखपुर पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर एसपी कई पुलिसकर्मियों और युवा पीढ़ी ने ब्लड डोनेट कर समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। बता दें कि थैलेसीमिया दिवस पर इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर के पुलिस लाइन में किया गया। हालांकि ये एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर माता पिता के दौरान बच्चों में आती है और इस बीमारी से पीड़ित मरीज के खून की मात्रा लगातार कम होती है और उन मरीजों के लिए ही इस शिविर का आयोजन किया गया है। आज पुलिस लाइन में थैलेसीमिया डे के अवसर पर हमारे पुलिस आरक्षी शिवम्बोज और पुलिस आरक्षी मुकेश ने हमारे नौजवानों के साथ मिलकर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें अभी तक 35 से ज़्यादा लोगों ने रक्त दिया है और अभी और कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा और जनता के संभ्रांत नागरिकों द्वारा भी रक्तदान किया गया है। उद्देश्य है कि रक्त की कमी कहीं किसी जगह पर ना आए, जिसको भी ज़रूरत हो आवश्यकता अनुसार रक्त मिले
और समाज में जागरूकता आए। रक्त देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि आपसी भाईचारा बढ़ता है और ये सभी को करना चाहिए अपने जीवन में। यहाँ पर कई आज रक्तदान शिविर में कई लोग आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में 5 बार या इससे अधिक, बल्कि कई लोगों ने तो 15-15 बार रक्तदान किया है और यह सभी के लिए प्रेरणा। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही जिससे आपको रूबरू करा दें। यहाँ अखिलेश यादव का चंदौली वाराणसी दौरा आज शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि 12:30 बजे चंदौली जाएंगे अखिलेश यादव और बड़े दौरे करने वाले हैं और 12:30 बजे चंदौली पहुंचेंगे अखिलेश यादव, जहां वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे और शोक में संलिप्त परिजनों को संवेदना व्यक्त करेंगे। चंदौली के बाद फिर वाराणसी के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव और वाराणसी जेल में बंद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव आज दौरे पर वाराणसी और चंदौली पहुंचेंगे, जहां पर एक शोक संलिप्त परिवार से वो मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे और वाराणसी में वो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे जिन्हें जेल में बंद किया गया है। खबर अब रायबरेली से है, जहां शंखनाद संस्था ने गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व आयोजित किया है। इस आयोजन में सम्मिलित तो होने के लिए सरदार परविंदर सिंह रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए जाने को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने कड़ी निंदा की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को हम लोग माँ कहते हैं, इसकी अखंडता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। खालिस्तान के झंडे लगाना या ऐसा कोई भी काम करना जो राष्ट्र विरोधी हो, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं कमी तो आई, लेकिन आज जैसे आप लोग के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा मुझे बताया गया, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग उसमें कठोरतम कार्रवाई करेंगे और 376 वगैरह इम्प्लीमेंट इसमें होना चाहिए। और ऐसे कोई भी लोग जिन्होंने हलाला या इस प्रकार की घटना को किया है, तो हम लोग उसके। रायबरेली जैसे छोटे शहर में प्रतिभा खोज के उद्देश्य से एक फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 29 मई को ग्रैंड फिनाले आयोजित होगा, लेकिन उससे पहले आज ऑडिशन शुरू किया गया है। मिस एंड मिसेस रायबरेली 2022 के नाम से आयोजित इस फैशन शो में लड़कियां और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां पर एक निजी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 150 महिलाएं और लड़कियां उपस्थित रहीं। आयोजकों का यह कहना है कि वो इस कार्यक्रम के जरिए रायबरेली में भी प्रतियोगिताओं को सम्मान और सामने लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। बहुत लाभकारी है, इससे मैं बहुत आगे भी जा सकती हूँ और मुझे शौक भी है, और हम लोग के शहर में ये सब होना भी चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ऐसे फंक्शन होने चाहिए ताकि हम लोग का हौसला भी बढ़े और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी करें और हम लोग का डर भी खत्म हो। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ की महिलाओं ने, लड़कियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और बहुत उत्साह से हिस्सा लिया है और बड़ी संख्या में लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही रायबरेली की महिलाएं और लड़कियाँ आगे आएं। इस प्रतियोगिता को कराने का मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ की महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस पर वो अपनी प्रतिभाओं को, अपने गुणों को इम्प्रूव करके, ग्रूम करके खुद को प्रदर्शित करें और आगे बढ़ें। साथ ही मैं सभी महिलाओं से, लड़कियों से कहना चाहूँगी कि वो घर पर ना बैठें, अपनी झिझक ख़त्म करें और बाहर निकलें। अभी तक इस तरह की प्रतियोगिताएं बड़े शहरों में होती थी और रायबरेली में ऐसा मौका पहली बार हो रहा है कि ये प्रतियोगिता हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी है कि शुरुआत अच्छी हुई है, ऑडिशन अच्छा हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा सिद्धिबाड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर रविवार की सुबह ही खालिस्तान के काले झंडे लगे देखे गए। इन झंडों को विधानसभा की दीवार और मेन गेट के साथ बांधा हुआ पाया गया और वहीं अब इस मामले के सामने आने के बाद तमाम राजनीतिक दल इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि ये देश की शांति भंग करने की कोशिश हो रही है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाने के कृत्य की कड़ी निंदा की जाती है। ये हमारे देश की शांति और भाईचारा को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर, ऐसी हरकतों पर इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीएम ऑफिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के उनको टैग करते हुए आग्रह किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल पंजाब चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने भी खुले शब्दों में अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा था कि ये अलग खालिस्तान देश बनाना चाहते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में हुई इस घटना के सामने आने के बाद कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से निशाना साध दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच शिवसेना ने एक बार फिर से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या के उनके आगामी दौरे को लेकर रविवार को निशाना साधा। राउत ने कहा कि भगवान राम उन लोगों को आशीर्वाद नहीं देते जो उनके पास फर्जी भावनाएं लेकर और राजनीतिक वजहों से आते हैं। मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने का आह्वान करके हाल ही में खड़े हुए विवाद को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पिछले महीने ही ऐलान कर दिया था कि वो भगवान राम का आशीर्वाद लेने 5 जून को अयोध्या जाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का अयोध्या का दौरा 10 जून के आसपास प्रस्तावित बताया। उनके साथ ही महाराष्ट्र और देशभर से शिवसैनिक भी जाएंगे और शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता ने कहा है कि ये हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि विश्वास का मामला है। समाज के विभिन्न वर्गों ने हिंदुत्व के सच्चे सार को रेखांकित करके आदित्य ठाकरे को आमंत्रित किया। भगवान राम उन लोगों को आशीर्वाद नहीं देते हैं जो उनके पास फर्जी भावनाएं लेकर जाते हैं और राजनीतिक वजहों से जाते हैं। ऐसे लोगों को विरोध का सामना करना ही पड़ता है। और इस बीच हनुमान चालीसा विवाद को लेकर करीब 12 दिनों तक जेल में रही निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में एक याचिका दायर करने जा रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि नवनीत राणा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर एक याचिका दायर की जाएगी क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। दरअसल 12 दिनों तक जेल में रहने के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें भी बताई थी जिनका उल्लंघन करने पर जमानत रद्द करने की बात कही गई थी। और जमानत की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि नवनीत राणा और उनके पति इस विवाद या इस केस से लेकर मीडिया में कोई भी बयान जारी नहीं कर सकते, लेकिन नवनीत राणा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही मीडिया से बात की और अपनी गिरफ्तारी को लेकर एक बयान दिया है। दरअसल नवनीत राणा को जमानत के बाद से ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जेल में ही उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी और इसके बाद 8 मई को रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। अस्पताल के बाहर मौजूद मीडिया से इस दौरान उन्होंने बात की और नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। अपनी गिरफ्तारी पर भी बोलते हुए नवनीत राणा ने कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो वो 14 दिन की नहीं बल्कि 14 साल की जेल भुगतने के लिए भी तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की भी चुनौती दे डाली है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाया जाए। इस दौरान एएसआई से इनकी जांच कराए जाने को लेकर याचिका दायर की गई। याचिका में दावा यह भी किया गया कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी की ओर से ये बात सामने आई है जहां ताजमहल को लेकर यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि मैंने एएसआई से पूछा कि ताजमहल में जो कमरे बंद हैं उनका क्या कारण है। उन्होंने कहा कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी पूछा कि इसका असल कारण क्या है, जिसके जवाब में कहा गया कि सुरक्षा कारणों के चलते इन्हें बंद किया गया है। जिस पर याचिकाकर्ता ने एक फिर सवाल उठाया कि किसके आदेश पर इन्हें बंद किया गया, जिसकी तरफ जो इनकी तरफ से संतोषपूर्ण जवाब ना मिल पाने की वजह से ये याचिका लगाई गई। उन्होंने कहा कि ताजमहल कोई छोटी जगह नहीं है, इसका जवाब मिलना चाहिए कि आखिर कमरे बंद क्यों हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं कमरों की वजह से ताजमहल को लेकर अक्सर ही विवाद खड़ा होता है।
और इस बीच शेयर बाजार की शुरुआत आज बड़ी गिरावट के साथ हुई है और ग्लोबल संकेत चौतरफा कमजोर होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते घरेलू शेयर बाजार पर भी नेगेटिव असर आया है। दरअसल सेंसेक्स और निफ्टी 0.25% की गिरावट के साथ खुले हैं और आज बाजार खुलने के समय बीएसई का 30 शेयर वाला इंडेक्स सेंसेक्स 647.37 अंक यानी कि 1.18% की गिरावट के साथ 54,188.21 पर खुला, जबकि 183.55 अंक यानी 1.12% की गिरावट के साथ निफ्टी 16,227.70 के लेवल पर खुला है। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल शेयरों में देखी जा रही है और ये 2.75% की भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस दौरान पीएसयू बैंक शेयर 2.26% टूटे हैं, जबकि ऑयल एंड गैस शेयरों में 2% की जबरदस्त गिरावट आई है। आज एनएससी के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स गिरावट में बने हुए हैं।